तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर इतनी देर तक सोते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा नाम है रघु, मेरे पिताजी मुझे रोज ऐसे ही उठाते हैं। चलो हैरी पॉटर। 99 में लाखों की संख्या में जो इंजीनियर्स पास हुए थे उनमें से मैं भी एक हूँ। पहले दिन तो मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैंने भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग कॉलेज बंक करना सब किया, लेकिन वो गलतियां मैंने फाइनल ईयर में सुधार ली। मुझे लगा था कि मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन मुझ जैसे तो हजारों थे। उनमें से कई अपने बाप की जगह पर लग रहे थे तो कई अपने बाप दादा का बिजनेस संभाल रहे थे, और बचे हुए लोगों में से मैं एक हूँ जिसके पास कोई काम नहीं है। क्या कर सकता हूँ? काम चोर। तेरे भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, जाकर उसे ऑफिस छोड़ गया। मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ और उसे ऑफिस में छोड़ने के लिए मुझे नींद से उठाया। तेरा छोटा भाई है, छोड़कर आ। इसे उसे छोड़कर आने में क्या प्रॉब्लम है? इंजीनियरिंग खत्म करके 4 साल से घर में बैठा है, किसी भी काम का नहीं है, और ऊपर से डायलॉग मारता है, इस शहर की सारी बिल्डिंग्स मैं ही बनाऊंगा, सपने वही देखो जो पूरे हो। सुबह सुबह तो किसी काम का नहीं है बार बार कहेंगे तो और क्या हो सकता है? ऐसी शक्ल लेकर जाएगा तो कौन जॉब देगा? शेव करके जाना चाहिए, अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए ना बेटा। मेरी माँ को लगता है कि मैं शेव करूंगा तो जॉब मिलेगी। भैया मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज चलिए ना। ये है मेरे छोटे भाई साहब, मुझसे लंबे और दिखने में मुझसे भी अच्छे। और ये देखो, ये मेरी बाइक है, 7th स्टैंडर्ड में मैंने फर्स्ट रैंक लाया था, इसलिए मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। ए, आ? इधर आ। तुझे ड्रॉप किया ना, चल 20 रुपए निकल। वैसे मैं तेरे से पैसे नहीं लेता, लेकिन ये तुझे ड्रॉप करने का टैक्सी का भाड़ा है, चल जा। मेरा नाम है रघुवरन और मैं ग्रेजुएट बेरोजगार हूँ। अच्छा सुनो, बाजू के घर में कौन रहने आए? गोकुल डॉक्टर, लोग तो अच्छे लग रहे हैं मुझे। उनकी बेटी सिनेमा की हीरोइन की तरह लगती है। आज दोपहर हथौड़ा लेने आई थी। घर आई थी? मैं तो दिन भर घर में ही था, मैंने उसे नहीं देखा। तू तो दिन भर घर में रहता है, यही तेरी प्रॉब्लम है। जो किसी काम का नहीं होता तो उसे हमेशा अकड़ कर रहना चाहिए। ये मेरे घर में हर बार होता है, ये सिगरेट का पैकेट मैं हर बार छुपा ही नहीं पाता। भैया लैपटॉप दो ना, मुझे ऑफिस का काम करना है, प्लीज लैपटॉप दो ना। चुप रह। जब देखो फेसबुक पे लगे रहते हो। आप जैसे बेरोजगारों का ग्रुप है ना ये, अपने आप को वीआईपी बुलाते हो, 60 लोग भी नहीं है। अच्छा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इसलिए इतना सुना रहा है, ले तेरा लैपटॉप फाड़ में जा। बगल वाली लड़की का दर्शन होना तो सच में मुश्किल टास्क है। अब जब वो दिखती ही सिनेमा की हीरोइन की तरह है तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे देखने के लिए मजबूर हूँ। हैरी पॉटर गो गो। आपके पास जॉब ना हो तो पाला हुआ कुत्ता भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। कौन हो तुम? आंटी मैं आपके बाजू के घर में रहता हूँ, बॉल आपके यहाँ आ गई इसलिए। आ जाओ बेटा, ले जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? जी रघु। कहाँ काम करते हो? वो देवरानी सीरियल शुरू हो गई है, मैं बॉल लेने बाद में आता हूँ। तुम भी देखते हो क्या ये सीरियल? कितनी कमीनी सास है ये, है ना? मुझे भी ये सास बिल्कुल पसंद नहीं है आंटी। अगर कोई मेरी बेटी को ऐसी तकलीफ देगा मैं तो वापस ही बुला लूंगी उसे। आंटी आपकी बेटी भी है? शालिनी। ओ, अच्छा वो स्कूल गई है क्या? क्या स्कूल? नहीं वो तो 25 साल की है। ओ, तो वो सोई है क्या? वो तो काम पर गई है, उसके पापा तो अभी से चलते हैं, वो उनसे ज्यादा जो कमाती है। उसकी 50,000 तो सैलरी होगी ना? 50,000? हाँ। उसके पापा ही महीने का 1 लाख कमाते हैं और ये महीने का 2 लाख। एक तो बेरोजगार लड़कियां भी मेरी तरफ देखती नहीं है और ये तो हैसियत से बाहर की निकली। तुम इस घर में क्या कर रहे थे? पिताजी ये बॉल इनके घर में गिरा था। तुम 16 साल के थे तब से मैं तुम्हें इस घर से आते हुए देख रहा हूँ, उस वक्त भी तूने यही कहा था
लेकिन तब तुम 10 बच्चों के साथ खेल रहे थे और अभी अकेले खेल रहे हो क्योंकि वो सब जॉब कर रहे हैं। इस घर में 3 फैमिलीज रह चुकी है और 5 बार पेंट किया गया है, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे हो। जा घर जा, हो सके तो थोड़ा घर का ही काम कर ले। वो लड़की मुझे कैसे नापेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से कोशिश करनी होगी। अब जो सिनेमा स्टार की तरह दिखती है उस लड़की को तो मैं देखना चाहूंगा ही। मुझे लगा था कि ये पढ़ाई करके बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है। तुम्हें तो सिर्फ उसे डांटने के लिए मौका ही चाहिए। और ये हैरी पॉटर भी पीछे पीछे घूमता रहता है, दोनों को कुछ काम नहीं है। आमतौर पर मैं इतना इंडिसेंट तो नहीं हूँ, मतलब ठीक ठाक हूँ, थोड़ी सी डिसेंसी होती है। ए हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, खाना खिलाना था ये कुत्ता कहाँ चला गया? ए तू यहाँ क्या कर रहा है? डैडी ढूंढ रहे हैं ना? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये क्या है? कुछ नहीं माँ। मुझे दे, क्या है ये? अरे माँ, मैंने कहा था ना नए प्रोजेक्ट के बारे में, इंजीनियरिंग के लिए, बस वही है। ये काम कैसे करता है? ये टेलीस्कोप है माँ, इससे दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती हैं। अरे माँ, मुझे नहीं, ऊपर देखो, चांद और तारे देखेंगे तुम्हें। हाँ बेटा, ये चांद कितना नजदीक लग रहा है। माँ, हाथ नीचे करो, छू नहीं सकती। ए रघु, ये तूने बनाया क्या? तू तो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आजकल सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता माँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, टैलेंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है। अच्छा माँ, तुमने टाइटैनिक मूवी देखी है? हाँ, वही ना जिसमें शिप टूट जाती है और सारे लोग मर जाते हैं। हाँ हाँ वही, उसमें जो हीरो है वो हीरोइन के साथ बैठकर आकाश में तारे देखता है, और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर तारे देख रहा हूँ। अरे बदमाश, तू किसी से प्यार व्यार करता है क्या? मुझसे कौन प्यार करेगा माँ। क्यों, तुझमें क्या कमी है? तू बुद्धिमान है, हैंसम है, लेकिन बेरोजगार हूँ ना। आजकल की लड़कियों को मिनिमम सिक्योरिटी तो चाहिए होती है ना। माँ, कल मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है माँ, और सारे दोस्तों को 2,000 रुपए लाने हैं माँ, प्लीज मुझे पैसे दिलवा दो ना। ठीक है, तेरे भाई से पूछती हूँ। उससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूंगा, या तो तुम पापा से लेकर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन उससे मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, देखती हूँ ना। ए रघु, ये ले 200 रुपए, ले। क्या माँ, 2,000 रुपए मांग रहे हो तो तुम 200 रुपए दे रही हो? 200 रुपए में एडजस्ट कर ले, तेरे डैडी से मैं और नहीं निकाल पाई। हाँ आ रही हूँ जी। प्लीज माँ, एटलीस्ट 1,000 तो दिलवा दो। और ये तो मैं फंस जाऊंगी, क्यों चिल्ला रहे हैं? आ रही हूँ। माँ माँ माँ, प्लीज माँ रख लेना। माँ, अच्छा कार्तिक ने कार ले ली, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे लगा कि तुम दोस्त की कार लाए हो। आप ट्राई करिए ना पापा। लेकिन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। मैं चलाता हूँ, 1 राउंड मार के आते हैं। हाँ ठीक है बेटा। ये ब्राउन तो मेरा फेवरेट कलर है, क्यों बेटा तूने मुझे बताया नहीं? बैठ जाओ माँ। भैया, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे क्या? नहीं, आप लोग जाओ, मैं बाद में। हाँ ठीक है, बिजी जो है। वैसे गाड़ी माइलेज कितना देती है? Yes! ठीक है दोस्तों, जो 2,000 का बात किया ना वो सब निकाल के टेबल पे रखो, चलो। अरे यार, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए। कोई बात नहीं मेरे यार, हमें पता है तू बेरोजगार है, तुझे नौकरी मिलेगी तो पार्टी दे देना। ए, ये पैसे अपने पास रख, बाद में काम आएंगे, समझ गया ना? ये सारे मेरे फेसबुक के VIP ग्रुप के मेंबर्स हैं, किसी के पास भी अपने क्वालिफिकेशन के लायक जॉब नहीं है। इनमें से एक कॉल सेंटर में काम करता है, और दूसरा अपने पापा का बिजनेस संभालता है, तीसरा बंदा एक कॉलेज में प्रोफेसर है, और चौथा सिनेमा में एडी। जो गाली है इंजीनियर अपने डायरेक्टर से खाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। रुको, ड्रिंक किया है क्या? नहीं सर। हाँ हाँ सर, पैसे निकालो, फाइन भरो। सर गाड़ी थोड़ी चला रहे हैं, चल के जा रहे हैं। क्या पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो? सर पब्लिक ही नहीं है तो तकलीफ किसको हो रही है? आईडी कार्ड देकर कल अपने माँ बाप को लेकर आओ। अरे नहीं हो सकता सर, प्लीज ऐसा मत करना। लगता है कि अच्छा खासा कमाते हो गए, कुछ दो और निकलो। सर हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए पैदल जा रहे हैं। ऐसा क्या, मोबाइल निकालो, फोन करो, अपने माँ बाप का फोन करो। सर 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 प्लीज छोड़ो ना, क्यों भीख मांग रहे हो उससे? ए साइड हट रहे, तुम्हें यह पहले ही करना चाहिए था, मेरा टाइम बर्बाद किया। कभी कभी अपने माँ बाप के दिए हुए 200 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं।
नैना बरसे। अरे देख के नहीं चला सकते क्या? ओ माँ, वैसे भी मैं परेशान हूँ। मैंने क्या कर दिया? अरे I'm sorry, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मम्मी, अरे तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? मैं तुम्हें चल के घर छोड़ दूंगी। ओ कंपनी, व्हाट इज योर नेम? ठीक है, पिया हुआ है, एक अजनबी है इसलिए नाम नहीं बता रही। माय नेम इज रघु, प्लीज टू मीट यू। तुम्हें पता मेरा एक छोटा भाई है, 3 साल मुझसे छोटा है, उसने कार खरीद ली, मेरे पापा को बहुत गर्व हुआ, लेकिन भाई के सक्सेस पर मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। तो वैसे मुझे जलन वलन नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा जलता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, ये तो अपना नसीब है। वैसे तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो? ये मेरा नसीब है। ओह गॉड, वेरी बैड फेट। हेलो हेलो, हु इज स्पीकिंग? हेलो, तुम्हारा घर आ गया है, तुम ठीक हो ना? तुम मेरे घर पहुंच गई? मेरे बाजू में रहती हो? माय गॉड, बैलेंस प्लीज, कैन यू कम हियर प्लीज? क्या? अरे चूड़ीदार वाले इधर आओ ना। इससे पूछता हूँ क्या है। इस घर में एक लड़की रहती है, नाम है शालिनी, सिनेमा की एक्ट्रेस की तरह दिखती है वो, मेरी माँ ने कहा था। मैंने टेलीस्कोप के थ्रू देखने की उसे बहुत कोशिश की, लेकिन वो दिखी ही नहीं। महीने में 2 लाख रुपए कमाती है। हेलो, तुम घर क्यों नहीं जाते? सेलफोन है क्या? मोबाइल, मोबाइल किस लिए? मम्मी को कॉल करके गेट ओपन करने के लिए बोलना है। सो स्वीट, 9840440403। मम्मी, कहाँ है? मम्मी प्लीज ओपन द गेट, आई एम वेटिंग आउटसाइड। बोलती हूँ, आजा। मम्मी आई लव यू। फोन रख, मैं आ रही हूँ। मम्मी कमिंग। भीड़ में ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊ माँ। उन्होंने अब तक गेट लॉक नहीं किया, मेरी माँ गई है, तुम जा सकती हो। क्या है मम्मी, फिर क्या आया तू? नो मम्मी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ। इसने एक्सीडेंट किया? हे, ऐसे क्यों कर रहा है बेटा? अगर तेरी डैडी को पता चला तो हम मर गए समझो। नो मम्मी, चलो बेटे हम चलते हैं। रखी है और उसने किया एक्सीडेंट। भगवान, मैं क्या करूँ? सुबह का राउंड कैसा था? हाँ ठीक है, बाद में देखो। खाना खाए? झापड़ लगाऊंगी, चल। जब देखो धमकी। मुंह बंद कर, साइलेंट, एकदम साइलेंट। देखती हूँ डैडी जाग रहे कि नहीं, तू यही रुकना। वो सो गए हैं, तू अंदर जाके चुपचाप सो जा। हाँ, कोई मस्ती मत करना। मुझे पकड़ के रखना नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। मैंने कहा चुप। अरे माँ, क्यों डांट रही हो? आराम से। मुझे राशन के लिए 500 रुपए चाहिए। मैंने भगवान के घर में रख दिया है, और उस पेपर वाले को कहना कि पेपर बाहर मत फेंकना, वो गीला हो जाता है, दोबारा फेंकेगा तो पैसे नहीं दूंगा। मैंने उससे बहुत बार कहा है। कार्तिक की कार गंदी हो गई है, साहब को जरा धोने बोलना। ठीक है। उसने अपने सर पर ऐसा हाथ क्यों रखा है? इसका सर दर्द कर रहा है। सर दर्द हो, ऐसा काम करता क्यों है ये? अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाए। ऐसे ही उसे लाड करती रहो ताकि वो कुछ ना करे। अब मैंने क्या किया है? इस लड़के का क्या होगा? संभल कर जाइएगा। अरे बदमाश, तू पीकर आता है? मैंने मुश्किल से 200 रुपए दिए थे और तू दारू में उड़ा कर आया? मैंने 2000 मांगे थे, तुमने सिर्फ 200 दिए। 200 रुपए दिए तो पीकर आया, अगर 2000 दिए होते तो ड्रग लेकर आता। एक अच्छी हाउसवाइफ बनो ना, दारू हुक्का ये सब क्या है? चप्पल से मारूंगी तुझे, कितनी बेइज्जती की मेरी तुम। हाँ, बदमाश कहीं का। कब बेइज्जती की मैंने? मैं चुपचाप घर पे आके सो गया था ना। घर पे आके सो गया तू? रोड पर गिरा था तू, वो बाजू वाली लड़की तुझे घर ले आई। क्या कहा, बाजू वाली लड़की? हाँ ना, शर्म की बात है ना ये। क्यों, तुझे कुछ याद नहीं आ रहा है?
कैसे याद रहेगा? गिरने तक पिया था तूने। डैडी को पता चलता तो मार डालते तुझे। क्या हुआ? मेरी स्कूटर कहाँ है माँ? जहाँ एक्सीडेंट किया वहाँ जाकर देखना। अरे तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उसे चुरा लेगा तो। तुझे ज्यादा कॉमेडी मत कर, रास्ते पर ढूंढ और जाकर लेकर आ। उन लोगों ने तुमसे कार धोने के लिए कहा तो तुमने सीधे हाँ कर दिया। तू जाता है कि नहीं? अरे तुम्हारे तो पार्ट्स भी कोई खरीदना नहीं चाहेगा। कल मेरी बाइक को ठोकर तुम ही मारी थी ना? नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। कल रात को तुमने इसी गाड़ी से मुझे धक्का मारा और ऊपर से मेरी माँ को झूठ भी बोला कि मैं इसी रास्ते पे गिरा हुआ था। जानती हो मेरी माँ मुझे कितना डांट रही थी? तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट खानी पड़ी। और क्या करेगी? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। जाओ, मैं भी जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी? तुमने मुझे मेरे बेडरूम में टेलीस्कोप से देखा है ना? नहीं तो कौन बोला? कल नशे में तुमने ही कहा था। तो पुलिस से मैं डरता हूँ क्या? माँ ने कहा था कि तुम सिनेमा की हीरोइन की तरह दिखती हो, इसलिए मैंने देखा। वैसे तुम उतनी अच्छी नहीं हो, ठीक ठाक ही हो। निकलो, इस डब्बा गाड़ी के लिए इतना नाटक कर रहे हो। मेरी गाड़ी को डब्बा गाड़ी बोला क्या? एक लीटर में 60 किलोमीटर चलती है, तुम्हारी गाड़ी चलती है? मैं ट्रैफिक से ऐसे जुप जुप करके निकल सकता हूँ, तुम निकल सकती हो? अगर ये बंद हो जाए तो मैं इसे खींच के लेके जा सकता हूँ, तुम्हारी गाड़ी लेके जा सकते हैं? जाओ जाओ और एल बोर्ड लगाकर ड्राइविंग करो। लोफर कहीं का। तुझे आटा लाने के लिए थैली नहीं चाहिए? ए, हाँ? तू खेलने आ रहा है या नहीं? आ रहा हूँ भैया। बाय शालिनी। बाय कार्तिक। जा उसके कंपाउंड में कूद कर उसके खिलौने के साथ खेल जा। टॉस। टेल्स। हाँ हेड्स, मैं बैटिंग करूंगा, चल। ट्रायल बॉल भैया। हाँ डाल, चल। तुम लोग सेकंड स्टैंडर्ड में हो क्या? अभी भी प्लास्टिक के बॉल से खेल रहे हो? एटलीस्ट टेनिस बॉल तो यूज कर लेते। टेनिस बॉल बार बार बाहर चला जाता है और रोड पे खेलता हूँ तो सामने वाली आंटी चिल्लाती है। अरे बॉल डालना। Hey, what's your problem? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, कार्तिक से बात कर रही हूँ। अरे जाके अपना काम करो ना, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? हाँ, जैसे इंडिया बांग्लादेश का मैच खेल रहे हो उसमें मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। तेरे भाई को कोई काम नहीं है क्या? वो काम ढूंढ रहा है ना। हैरी पॉटर, रास्ते पर मत जा। तू चुपचाप बॉल डाल, चल। पेपर, गैस, दूध वाले सबसे बात हो गई ना? सेट हो गया, पड़ोस वाले लड़के ने हेल्प की। इतनी जल्दी जान पहचान भी हो गई? क्या करता है वो लड़का? नाम रघु है, इंजीनियरिंग किया है, काम ढूंढ रहा है। कल मैंने उसकी माँ से बात की, आईटी कंपनीज के बहुत सारे ऑफर्स हैं उसको, लेकिन उसको बिल्डिंग बनाने का शौक है इसलिए उसे वही जॉब करना है। बेचारा लड़का, वो हर महीने 15 से 20 कंपनीज के चक्कर काट रहा है। भगवान उसकी मदद करे। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। डोंट प्ले विथ माय हार्ट। हेलो। क्या है? सॉरी। किस लिए? कल मैंने तुम्हें बेरोजगार कहा था, तुम्हें गाड़ी से भी मारा और तुम्हारी माँ को झूठ बोला इसलिए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरी तरफ से भी सॉरी। क्यों? वो मैंने तुम्हारे घर में टेलीस्कोप से देखा और तुम्हें मैंने ठीक ठाक दिखती हो ऐसा कहा ना, इसलिए। सिनेमा स्टार की तरह नहीं दिखती हो लेकिन सीरियल स्टार की जैसी तो लगती हो। ठीक है, बाय। बाय। और कितने नंबर्स बाकी हैं ब्रदर? आई थिंक 177 बाकी हैं। क्या भाई? सब झोले ब्रदर। ये सब लोग अपने डैडी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के और हमारे जैसे इंजीनियर की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। इनके पास इतना पैसा तो अमेरिका जाके मजे क्यों नहीं करते, हमारे साथ टाइम पास करते हैं। साइन।
तुमने अपने पुश्तैनी जमीन को जाने दिया? हम और क्या कर सकते हैं, उन्होंने आसपास की सारी जमीनें खरीद ली हैं। हम लड़े, हमने भीख भी मांगा, जमीन वापस मांगा तो पहले बिजली काट दिया, फिर पानी का कनेक्शन बंद कर दिया, ड्रेनेज, दूध, फोन का कनेक्शन भी काट दिया। नहीं लड़ सकते, उन्होंने सब छीन लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे, चलता हूँ मैं। ये क्या है पापा, आफ्टर ऑल 2.5 ग्राउंड के लिए आपने 3 महीने गवा दिए। आप जानते हम वो छोड़ भी सकते हैं। अगर हम छोटी प्रॉपर्टीज को छोड़ देंगे तो हम यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। जमीन का हर एक स्क्वायर फीट भी इम्पोर्टेंट है। एनी प्रोजेक्ट, एनी लैंड, अगर हमें जरूरत है तो खरीद लो, और नहीं खरीद सकते तो छीन लो। ये तुम्हें सीखना होगा। 3 महीने बाद तुम इस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो। मैं US जा रहा हूँ वहाँ की ब्रांच को देखने के लिए। आई थिंक कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। गो गेट बैक टू वर्क। ये क्या है मिस्टर रघुवरन, मैंने तुम्हें 9 माले का प्लान बनाने के लिए कहा था लेकिन तुमने तो 6 माले का प्लान बनाया। सर FSI की परमिशन सिर्फ 6 माले की है। वो सब मुझे पता है मिस्टर रघु, लेकिन 40,000 रुपए रिश्वत या एक्स्ट्रा 3 माले के लिए ही लिए ना। एक अच्छा इंजीनियर उसी को कहते हैं जो काम कहा जाए उसे पूरा करे। सर ये तो गलत है ना, हमने इसी गलती को रोकने के लिए तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यू मे गो मिस्टर रघु। सर मेरा ये तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो प्लीज। थैंक्स। चार साल में मैं हर एक कंपनी में गया और एक ही इंसान को मिला। एक झोपड़ी बनाने का भी चांस नहीं मिला है मुझे। चांस मिलेगा तो ही तो अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? हाँ लेकिन महीने के 30-40 हज़ार की सैलरी के लिए मेरे अंदर का इंजीनियर पूरी तरह से मर जाएगा। अगर इस टाइम पर मैं पैसे के पीछे भागूंगा तो मेरे सपने पूरी तरह से टूट जाएंगे। ऐसा लगता है बैंगलोर या हैदराबाद जाके काम करूँ। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन नेक्स्ट मंथ के एंड में। क्यों, ऐसा करने से मुझे जॉब मिल जाएगी? मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, उसके बाद तुम चले जाना। उसके बाद मैं जाऊंगा तो ठीक रहेगा। तुम जाने तो वाले हो ही, मेरे बर्थडे के बाद जाना। इस बार मैं बर्थडे में अपने आप को एप्पल गिफ्ट करूंगी। एप्पल खरीदने के लिए बर्थडे का इंतजार करने की जरूरत है क्या? मेरे घर में पड़ा होगा, मैं आज शाम को तुम्हें दे दूंगा। ए लूजर, मैं एप्पल फोन की बात कर रही हूँ। चलो कार्तिक भैया, जरा फैन चालू कर। खुद तो खाली बैठा है और अपने छोटे भाई को फैन चालू करने के लिए बोल रहा है। क्या भैया? अच्छा आईफोन कितने का था? 30-40 हज़ार में आ जाएगा। कल रात को वो कितने बजे घर आया? ठीक है कर दूंगी। मैं खुद 11:30 बजे सोया। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुमने उसे बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, उस पर नजर रखो। 35-40,000। अब जब भाई से पैसे लेने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच गया तो संकोच किस बात का? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल मार। ए, वो तो गुस्से में लग रहे हैं ना। चल मार इसे। भैया प्लीज जाने दीजिए ना। भैया प्लीज जाने दीजिए ना। अबे मार बोल रहा हूँ ना। मेरे भाई को मारता है। चल जाके बैठ जा। अबे जाना। अबे सांड के जैसा बड़ा हो गया है, एक लाफा खींच के नहीं दे सकता। जा जाके अपना काम कर। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे। कौन है तुम लोग, क्या चाहिए? तू कार्तिक का बड़ा भाई ना? नहीं वो मेरा छोटा भाई है। दोनों एक ही बात है। कौन है पूछा? तो मेरे साथ ड्रामा करता है? ए, मुँह तोड़ इसका। अरे 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 कौन हो तुम लोग?
मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो उसे, मर जाएगा मेरा बेचारे, कोई पुलिस को बुलाओ भैया। अरे क्यों मारे, अरे छोड़ उसे, मेरा बेटा मर जाएगा, मत मार उसे। आपके पापा भी अभी तक घर नहीं आए, मैं क्यों? लगा? पापा घर में नहीं है। कुछ नहीं हुआ है माँ, कुछ नहीं हुआ है, रुको एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। ए, क्या कर रही है? ए, कौन हो तुम लोग और मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? हम उन्हें बता क्या है आंटी? ए, ये कर क्या रहा है? अरे भगवान, अरे बेटा ये लोग कौन है, क्यों मार रहे हैं तुझे? तुम अपने आप को माँ कहती हो? क्या हुआ बेटा? पापा घर में नहीं है, ये पहले नहीं बता सकती थी? हाँ अगर वो घर में रहते तो ऐसा होने देते? इन सबको मार भगाते। हेलो, जाओ जाके साइड में खड़ी हो जाओ। नहीं, जाओ मैं यही रुकूंगी, तू क्या करेगा? अब देखो, मैं तुम सबको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, मुझे मारने के लिए मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो क्या करेगा तू? मैं तुझे मारूंगा। वहां पर गिर, मेरे फूल का गमला टूट गया। उससे ज्यादा गाड़ी इंपॉर्टेंट है। ए, इस गमले को नीचे रख। ए, मैंने कहा नीचे रख। ए भगवान, मेरा गमला तोड़ दिया इसने, तोड़ा मेरा गमला। मार बेटा, मार। सर, 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 मेरी शादी 10 तारीख को है, मैं सर स्मार्ट रूम कहने पर यहाँ आया हूँ सर। सर चल भाग, फाइट के बीच में बात करता है। अरे बाप रे मेरा सर, अरे बाप रे, अरे अरे चक्कू। कौन थे वो लोग? उन्होंने तुझे क्यों मारा? उन गुंडों से तेरा कुछ लेना देना है? मैं उनके साथ घूम रहा था, एक माँ के नाते तुम्हें बोलना चाहिए, अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं, ऐसा पूछना चाहिए तुम्हें। वो लोग कौन थे? अरे 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 अरे, अरे, अरे तुझे लगी तो नहीं? अरे खून तो नहीं निकला ना? मुझे लगा कि वो लोग है माँ। अरे खून निकला है क्या? इसमें क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा। अगर एक राउडी दूसरे राउडी को मारता है तो उसमें जरूर कोई लॉजिक होता है। अगर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को मारता है तो मैं समझ सकता हूँ, क्यों कोई तुम्हें मारने आएगा जबकि तुम पूरा दिन घर में बैठे रहते हो। इसने जरूर कुछ किया होगा। अभी जिंदगी में बस यही देखना बाकी था, छोटा भाई अकेला घर संभाल रहा है और इसे उसकी कोई मदद नहीं करनी। कॉल सेंटर में अच्छा जॉब था, 50,000 रुपए की सैलरी थी, वो भी मिस कर दी, और कितने दिन बिल्डिंग बनाने का इंतजार करेगा? तेरे डैडी तो ऐसे, ये जिंदगी में कभी नहीं। तुझे पता है जब मैं कॉलेज में थी मैं इनसे 2 साल जूनियर थी, दो लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया और इन्होंने उन्हें मारा और 2 दिन जेल में थी। उसके बाद मैं जो तुम्हारे हाथ में बांध रही हूँ ना, ऐसी धागा मैंने उनके हाथ में बांधा और ये वादा करवाया कि वो किसी को नहीं मारेंगे जब तक ये हाथ में हो, और उस दिन से उन्होंने किसी को नहीं मारा, यहाँ तक कि तुम लोगों को भी। मतलब भैया आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे? हाँ, छोटा भाई अकेला घर संभाल रहा है, कॉल सेंटर में अच्छा जॉब था, 50,000 रुपए की सैलरी थी, कार्तिक मैंने गरम इडली रखी है टेबल पे, खा के जाना। पर मैंने तो डोसा मांगा था। ए, अगर तुम्हें वो जॉब पसंद नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, इतने दिन इंतजार किया ना, थोड़े और दिनों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई बात नहीं पापा। तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाल दी गई है रघु। ऐसा है तो मैं रिजाइन कर देता हूँ सर। क्यों? मुझे आईफोन खरीदना है। हाँ?
मैंने क्या पूछा? क्यों बेटा, कहाँ जा रहा है? ये लो माँ, इस महीने की सैलरी है 10,000 रुपए। सिर्फ 10,000? लेकिन तेरी सैलरी तो 50,000 है ना? किसी और चीज के लिए चाहिए। तेरे पापा पूछेंगे तो क्या कहूँ मैं? तुम्हें जो अच्छा लगे कह देना, और ये भी कह देना कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या कहा? नौकरी छोड़ दी? क्यों? ए! मैं इसका क्या करूंगी? भैया, क्या हुआ? प्लीज भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। ए, क्या हुआ है? मैंने पापा से 40,000 लिए थे, अपने कंप्यूटर कोर्स की फीस भरने के लिए लिए थे, कपड़े खरीदने के लिए बाहर गया था, वापस आया तो देखो पैसे गायब है, पता नहीं वो कहाँ चले गए। भैया आपको मेरी मदद करनी होगी। तेरा ही तो पैसा है, हिम्मत करके उनसे बता दे कि खो गया। नहीं पापा मुझे गलत समझेंगे भैया। ए, चला जा मैं बताता हूँ। नहीं भैया, पापा मुझे बहुत डांटेंगे भैया। अरे यार, अभी तू चाहता क्या है, मैं क्या करूं? आपके पास पैसे है क्या भैया, या आपके दोस्तों के पास? प्लीज भैया। नहीं है। ये ले, ये ले। देख भाई, पहले कौन पैसा कमाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर ये करता है कि करेक्ट टाइम पर कौन पैसा कमाता है, समझ गया ना? हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? लो ना, मेरे जाने के बाद ही खोलना। बाय। तुमने काम छोड़ दिया? हाँ पापा। क्यों? आपने उस दिन कहा था कि इंतजार करो तो अच्छा रहता है, इसलिए। हाँ। तुमने सिर्फ 10,000 दिए? जाओ। जरा शाम का पेपर ले लो। उन्होंने मुझे जाने दिया? झगड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई सवाल भी नहीं किया। कमाल है। सिगरेट पी रहे थे? सॉरी। अरे सॉरी मत बोल। तूने 50,000 रुपए कमाए, 40,000 खर्च करके 10,000 रुपए घर में दिए। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम बिंदास होके सिगरेट पियो और धुआं अपने पापा के चेहरे पर छोड़ दो। अभी मैंने सिगरेट पी वो प्रॉब्लम है, या मैंने घर में 40,000 नहीं दिए वो प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 40,000 से ये घर चलेगा? नहीं, वो पहले मैं चलाता था और अभी तुम्हारा छोटा भाई चला रहा है। और हाँ, तुम्हारा पैसा हमें नहीं चाहिए। अगर तुमने वो 50,000 अपनी माँ को दिए होते और उसका आशीर्वाद लेकर वो पैसे ले जाते तो भी मैं खुश होता। जरा तेरे भाई को देख, उसे MCA के लिए फीस भरनी है। वो महीने का 1,00,000 रुपए कमाता है। अगर वो चाहता तो खुद जाकर पैसे भर कर आता, उसका ही पैसा है। लेकिन वो मुझसे पैसे लेता है और मेरी परमिशन लेकर ही भरता है।
इसे सम्मान कहते हैं, वो असली बेटा है। अभी आप मुझे उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो पापा? उसकी तरह मुझे आपने पाला पोसा, उसे अपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मुझे पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। इंटरव्यूज में मुझे इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, पता है आपको? और ऊपर से आप कहते रहते हो कि जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगा? मैं एक प्रेजेंटेशन भी ठीक से बना नहीं पाता हूँ, पता है? उस वक्त मैं उतना ही खर्चा कर सकता था। हाँ, उसके बाद आपने उसे इंग्लिश मीडियम में डाल दिया ना, मुझे भी तो डाल सकते थे। हाँ, क्यों नहीं डाला फिर? कितना बड़ा भेदभाव किया हम दोनों में, हमेशा कंपेयर करते रहते हो। अरे किस लिए चाहिए ये कंपैरिजन? हमारा नाम भी उसका नाम हीरो की तरह रख दिया कार्तिक, और मेरा नाम एक विलन की तरह रघु। अरे अगर आपके लिए वो इतना स्पेशल है तो उसको ही रखना चाहिए था ना, मुझे किस लिए रखा है? हम क्या कर सकते हैं, पहले तू ही पैदा हुआ ना, फिर तेरे बाद वो पैदा हुआ। सुपर, क्या बात है, एटलीस्ट आपने ये माना तो सही कि आप ऐसी बातें महसूस करते हो। आप चाहते हो कि मुझे पैदा होना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी शरीर है, ये मेरी जिंदगी है, मैं सिगरेट पीऊं या चाहे जो कुछ भी करूं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ए, जरा मुंह संभाल के, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, आप मुझे घर छोड़ के जाने के लिए? सुन, तू सिगरेट पी, दारू पी, काम कर या नहीं, कुछ भी कर, लेकिन तूने अगर उनसे ऊंची आवाज में बात की या बदतमीजी से बात की तो मार दूंगी तुझे। चल जा। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो गुस्से में थे इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। बुरा मत फील करो भैया, आपको तो पता ही है पापा ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। भैया बुरा मत फील करो ना भैया। नीचे इतना कुछ हो रहा था लेकिन तूने अपना मुंह नहीं खोला कि मैंने पैसे तुझे दिए, और ऊपर आकर मुझे सहानुभूति दिखा रहा है क्या? अच्छा बनेगा नाटक कर रहा है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, चुपचाप बैठ। अच्छा लड़का है और मैं बुरा हूँ, त्याग दिया मैंने, त्याग दिया। पिएगा क्या? क्या भैया? नहीं भैया। कोक पिएगा क्या? ठीक है भैया। ले पी, पी ले। भैया डाइट को कह रहे, कभी पिया नहीं? ये ऐसा ही रहता है, पी, चल पी पी। ए भाई दारू पियोगे क्या? अरे भाई हम पहले से दारू पी रहे हैं। बिल्डिंग बनने में कितना टाइम जाएगा? अभी और 3 महीने लगेंगे। वैसे काम तो काफी दिनों से चल रहा है। हमारा इंजीनियर बहुत कमीना है। बेकार इंजीनियर्स को ही काम मिलता है, और मैं अभी भी यहाँ टेरेस पे बैठ के पी रहा हूँ। कोई बात नहीं, कंपनी देने के लिए बुला रहा था। ए रघु, रघु यहाँ आओ। ए, 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 बाय बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, Shalini. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों पीते हो? My life full damage. ये रघु failure. क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा, माँ और छोटा भाई तीनों भी मुझे भूल चुके हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा, इतना ही ना? उन लोगों से जाकर पूछो जिनके पास माँ नहीं होती, वो तुम्हें माँ का मतलब बताएंगे। वाओ, व्हाट अ डायलॉग, कितना अच्छा बोलती हो। अगर तू मेरे घर में रहती तो पता चलता
ये लोग हर बात में कंपैरिजन करते हैं, वो काम करता है तू नहीं करता, वो पैसे कमाता है तू नहीं कमाता, उसने कार खरीद ली लेकिन तूने कुछ नहीं किया। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा थी, इसलिए मेरे पापा ने कहा कि वो अच्छे से खाता है इसलिए उसकी हाइट बढ़ रही है और तू नहीं खाता। अभी वो बेवकूफ लंबा होते चला गया तो मेरी क्या गलती? उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। अरे वाह, बहुत फिक्र करते हैं। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर में तुम अकेली बैठी हो, लेकिन मेरे घर में नाम को लेकर भी बहुत भेदभाव है। जानती हो उसका नाम हीरो की तरह कार्तिक है और मेरा नाम विलन के जैसा है रघु। मुझे कार्तिक से ज्यादा रघु पसंद है। इस बात से ऐसे ही मुझे तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार पसंद नहीं है और उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ। क्यों तुम मुझे उस शादी में जाने के लिए कह रही हो, वो भी चेंगलपेट में? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है। तो तुम जाके आराम क्यों नहीं करती, ये काम क्यों कर रही हो? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप कार्तिक को कंपनी के लिए साथ में लेकर जाइए जरूर। कार्तिक को कंपनी लेके जाऊँ? तो बड़े भैया को ले जाइए। उसे बड़ा भाई बोलकर तुम मेरा अपमान मत किया करो। है तो वो बड़े भैया। भावना, कल रात तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, अभी वो बड़ा हो गया है। अच्छा, तो क्या करूं? घर छोड़कर जाने की बात सुनकर आप भी उसे गुस्से में जाने के लिए कहते, फिर वो अपने बैग में कपड़े डालकर रास्ते के कोने तक जाता तो क्या आप उसके पीछे पीछे जाते? मुझे ही जाना पड़ता ना, अगर मैं उसे नहीं मारती ना तो वही होता। ठीक है। हैरी पॉटर, ए, हैरी पॉटर, रुक। शाम को मैं और कार्तिक चेंगलपेट जा रहे हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा उसकी हेल्प करना। वैसे भी फिलहाल तेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए बाहर मत जाना, हम लोग कल आ जाएंगे। तुम्हें इसे और दो थप्पड़ मारने चाहिए थे। नमस्कार। क्या ध्यान कर रहे हो? हाँ, घर में झगड़ा हुआ ना। मुझे पता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा भी। एटलीस्ट 2-3 महीने तक तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। मेरी माँ ने मुझे मारा ये तुम्हें कैसे पता चला? कल रात को तुम्ही ने बताया था। कभी? तुमने गाना गाया और डांस भी किया टेरेस पर। तुम्हें कुछ भी याद नहीं क्या? मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था, उसके बाद मैंने गाना गाया। पीने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता क्या? मैंने कितनी इम्पोर्टेंट बात की थी। तुम्हारा ही नुकसान है। ए सुनो, क्या कहा, क्या नुकसान है? भूल गए ना, जा। ए प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार बताओ ना तुमने क्या कहा था। कल तुम फ्री हो? अरे क्या तुम भी मेरे बारे में बोल रही हो, मैं तो कभी भी फ्री रहता हूँ, जो कहना है वो कहो ना। तुम कल की बातें भूल गए, इसलिए मुझे बाहर लेकर जाओ, तब बताऊंगी। ठीक है। हाँ, मैंने अपनी कार सर्विसिंग पर दी है, तुम्हें ही पिक करना होगा मुझे। मैं इस बाइक से उसे पिकअप कैसे करूंगा? मैं तुझे ऐसे ही बाइक नहीं दे सकता रघु। पांडी 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 प्लीज पांडी, मैं बस 2 घंटे में वापस कर दूं। 2 घंटे? पागल हो गए क्या? अगर बाइक का मालिक आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पांडी पांडी प्लीज पांडी, अरे हम कितने अच्छे दोस्त हैं। क्या बोला? दोस्त हैं? मैंने तुझे आखिरी बार 10वीं में देखा था, जब हम साथ में क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद मैंने तुझे कभी नहीं देखा। पांडी प्लीज यार, दे देना, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता है क्या तू? ये तो सरदर्द है यार, पक्का 2 घंटे में वापस दे देगा ना? मदर प्रॉमिस। ठीक है, जा कल सुबह लेके जाना। ओके पांडी, थैंक्स।
पांडे कहाँ चला गया? अरे सुबह उसकी गर्लफ्रेंड आई थी ना, वो शटर बंद करके चला गया। पता नहीं बहुत टेंशन में लग रहा था। अबे तेरी तो क्या ढूंढ रहा है? बहुत मस्ती है, मुझसे बात नहीं करेगा। ऐसा लगता है ये यही मेरी किस्मत में लिखी है। माफ करो, मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे दूसरे भाई के लिए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आज मुझे सजा मत दो प्लीज। भगवान के लिए स्टार्ट हो जाओ प्लीज। हे, इतना लेट क्यों हुआ और तुम्हारा शर्ट क्यों गीला है? वो मैं जिम गया था। ओ, इसमें डबल सीट जा सकते हैं ना? अरे इससे मैंने लॉरी भी खींची है। अरे मैं तुम्हें बाहर तो लेके आ गया ना, अब तो बताओ उस दिन तुमने क्या कहा था? तुम इसे बाहर लेकर जाना कहते हैं? हाँ तो लंच पर लेकर जाओ, तब बताऊंगी। लिया ना? पेट भर के खा तो लिया ना? तो ठीक है, अब बताओ ना उस रात तुमने क्या कहा था? मुझे बीच पर लेकर जाओ, वहां पर बताऊंगी। चलो सब कुछ देख लिया ना, ये है बीच, अब बताओ तुमने उस रात क्या कहा था? तुम मुझे एक अच्छी सी मूवी दिखाने ले जाओ, उसके बाद बताऊंगी। बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, मैं बताती हूँ। मैंने कहा था कार्तिक से ज्यादा मुझे रघु पसंद है। किस बात से? ऐसे ही। क्या ऐसे ही? शे, इस बात के लिए मुझे इतना दौड़ा रही थी? इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? तुम ऐसी शक्ल क्यों बनाते हो? मेरी शक्ल ही ऐसी है। ठीक है सुनो, अरे प्लीज तुम फोन उठा लो। कोई बात नहीं, माँ का फोन है। माँ का है तो उनसे बात करो। मैंने कहा ना झगड़ा हुआ है, एक तो मैंने बात नहीं करूंगा। ये तो बहुत ही चाइल्डिश हुआ, उनसे बात करो। अरे मेरे घर में सब ऐसा ही है। रुक जाओ। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे लगा कि जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। ठीक है, तुमने जो इम्पोर्टेंट बात एक्सपेक्ट की थी इसे वही समझ लो। मैं ऐसा नहीं समझ सकता। प्लीज अपनी माँ से बात कर लो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ठीक है चलो, तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मेरा 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, अगर मैं तुम्हारी बाइक से गई तो टाइम पर नहीं पहुँचूंगी, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है। एक तो घर में मेरी इज्जत नहीं करती और बाहर मेरे साथ कुछ अच्छा होने नहीं देती। बेटा, भैया आपने फोन क्यों नहीं उठाया? अरे क्या बताइए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? उनको हार्ट अटैक आया था भैया, जब हम घर आए तो वो फर्श पर गिरी थी, वो नहीं रही भैया। Oh.
क्या करूँ मैंने इसे घर में रहने के लिए कहा था, अभी मैं क्या करूँ? अब क्या देख रहा है तू? ये सब करके अब तू खुश है ना? ठीक से देख क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया तूने? बर्बाद हो गया मैं, बहुत अच्छी थी। ये उसका घर है। ओके, यही घर है। तुम ऐसे अगर पीते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 3 महीने हो गए हैं और मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तुमने अपनी आंखों से एक बूंद भी नहीं गिराया। रोने में कोई गलती नहीं है रघु, आगे क्या कर सकते हैं ये देखो। अपने पापा से बात करो। भैया, पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। मेरा नाम राम कुमार है। आपकी वाइफ ने अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए कहा था। ये मेरी बेटी है। शी इज COPD पेशेंट, मतलब इसके लंग्स वीक हो गए हैं। कॉलेज में इसने बुरी आदतें सीख ली, जैसे सिगरेट पीना। सिगरेट पीने से इसके लंग्स फेल हो गए हैं और आपकी वाइफ के लंग्स इससे मैच हो गए हैं, और बस इसीलिए हम शुक्रिया कहने यहाँ आए हैं। अगर कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह दीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमें कुछ नहीं चाहिए सर, बस अपनी बेटी से कहिए कि सिगरेट ना पिए। मेरी माँ को सिगरेट पीना पसंद नहीं था सर, वो मुझे हमेशा कहती थी कि सिगरेट मत पी, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। आप अपना ख्याल रखिए। हमें इजाजत दीजिए, चल बेटी। मैंने मारा आपको, मैंने, अगर मैंने फोन उठाया होता तो आप जिंदा होती, मुझे कैसे पता चलता? मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर। बहुत बड़ी गलती हो गई। रोना बंद करो, अभी रोके क्या फायदा? मैंने कितनी बार उसके कॉल्स मिस किए हैं, अगर तब वो मरती तो मैं क्या खूनी होता? आप रोना धोना बंद करो और काम पे ध्यान दो। उस दिन मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी तो बात नहीं कर पाई। आई मनीता, मेरे पापा ने तुम्हारे बारे में पता किया और मेरे पापा भी इसी लाइन में ही हैं। तुम इफ़ यू ओके, तुम पापा को कल मिल सकते हो। ही वांट्स टू ऑफर यू अ जॉब। नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ एक बार। नहीं नहीं, मैं खुद जॉब ढूंढूंगा। मेरे लिए भी नहीं कर सकते? मिस्टर सुंदरम जरा अंदर आइए। गुड मॉर्निंग सर। मैंने स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट के डिटेल्स मांगे थे। कल मैंने आपके टेबल पर ही रखा था सर। 10 साल इस ऑफिस में काम करने के बाद फाइनली मुझे अपना प्रोजेक्ट मिल ही गया। मिस्टर रघु को बुलाइए। उसे क्यों बुला रहे हैं? ओ, लगता है उसे मेरा असिस्टेंट बनाएंगे। 1 सेकेंड सर। सुनो पुष्पा, शाम को स्वीट बनाना, ठीक है? मैं तुमको एक हैप्पी न्यूज सुनाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रघु, चेयरमैन सर बुला रहे हैं, आओ। सर क्या बात है? एक स्लम प्रोजेक्ट है, उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होंगे। वो किसे मिलने वाला है पता है? इसी विषय में बात करनी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ऑफिस के किसी सीनियर को मिलेगा, और सीनियर तो आप ही हैं। सर कांग्रेट सर, आपने मुझे बताया नहीं। लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो तुम? सर लेकिन मुझे क्यों बुलाया? नहीं समझे सर, आपका असिस्टेंट बने। स्मार्ट बॉय सर। सर अगर उन्होंने मुझे आपका असिस्टेंट रखने बोला तो आप मना मत करना सर, प्लीज। डोंट वरी,
चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे असिस्टेंट हो गए। गवर्नमेंट ने स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, हमें एक हफ्ते में टेंडर देना है। जिसका भी बजट कम होगा प्रोजेक्ट उसे मिलेगा। हमें इससे पैसे नहीं कमाने हैं, ये हम अपनी रेपुटेशन के लिए कर रहे हैं। इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं, इसे देखकर बजट बना देना। सर ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो तुम्हें ही दूंगा ना। सर मैं यहाँ 6 महीने से काम कर रहा हूँ तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभाल सकता हूँ? 6 महीने काफी होते हैं पोटेंशियल जानने के लिए। मैं यहाँ 10 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे पोटेंशियल के बारे में नहीं पता चला। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ सर। उस सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये काम कर दो ठीक है। मिस्टर सुंदरम तुम इस प्रोजेक्ट में रघु को असिस्ट करोगे ठीक है? ओके सर। मिस्टर रघु कॉन्ग्रेट्स। सर थैंक यू सर। जब हम इस प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे तो तुम्हें भी लगा था ना कि ये मुझे मिलेगा? सर सॉरी सर, मुझे सॉरी छोड़ो, तुम्हें लगा था कि नहीं बताओ? जी हाँ सर। मतलब मैंने जो सोचा था वो गलत नहीं था? नहीं सर, किस लिए? बस क्लैरिटी के लिए पूछ रहा था। अब साइट देखने चले क्या? हाँ ओके सर, देखते हैं। चलो। हेलो सुनिए जी, आप शीरा में काजू पसंद करोगे या बादाम? जहर पसंद करूंगा। सुनिए जी, आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? पहले आपने अरे सुनो मानी, बनाने के लिए कहा था इसे तुम ही और रखो। अब आप कह रहे हैं कि आपको क्या हो गया जी? हेलो हेलो जी, हेलो रख रहे हो कहा और चले गए? हाय रघुवरन, कॉन्ग्रेट्स। पापा ने तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताया ना? तो ये फैमिली का मामला है। वैसे थैंक यू सो मच अगेन, ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं कोई बात नहीं। मीटिंग के लिए जा रहे हो? साइट पे जा रहा हूँ, बजट बनाने से पहले एक बार साइट तो देख लूँ इसलिए। साइट का? हाँ। मैं भी आती हूँ। साइट पर जाने के लिए हमेशा रेडी ही रहती है। तुम कभी भी अपना दुपट्टा बाहर ही छोड़ देती हो। यू नो आई कीप डूइंग इट। आ जाओ यहीं बैठ जाओ। कोई बात नहीं, मैं उस तरफ से आता हूँ। उसकी गोद में ही बैठ जाना। अरे बाप रे, कितनी बड़ी जगह है ये, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा? पापा का चॉइस कभी गलत नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ तुम पक्का कर लोगे। और मैं कहता हूँ ये नहीं कर पाएगा। मेरी माँ भी ऐसी थी, हमेशा हर बात के लिए मुझे प्रोत्साहित करती रहती थी। अपनी माँ की बात करके पटा रहा है? क्या देख रहे हो? ये सब तमिलनाडु के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। इस टेंडर के लिए बहुत कंपटीशन है। क्यों सर? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, 100-200 करोड़ तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सर इतने कंपटीशन में ये टेंडर हमें कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिमल। मैडम तुम बस बजट कम देना, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तुम बस मन लगा के काम करो। डेफिनेटली ये टेंडर हमी को मिलेगा, कोई भी हमसे ऐसा टेंडर छीन ही नहीं सकता सर। गवर्नमेंट का कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा वो टेंडर हमी को मिलता है सर। आपके पापा जानते हैं ये बात। आपको ये कंपनी टेक ओवर किए हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। टेंडर किसी और को दे दिया है, आप लोग ऑफिस में इंक्वायरी कर लीजिए। सुना ना, टेंडर हमारे हाथ से चला गया। सर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे आदमी है, पता नहीं क्या हो गया सर, मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। हेलो क्या यार, ये टेंडर इस साल हमें क्यों नहीं मिला? सर मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो ऑफिसर नहीं मान रहा है। वो मेरे बाजू में ही है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज सर। सर हेलो हेलो सर, वो कुछ भी बक रहा है सर, हम ये मैटर आपके पापा को बताते हैं, वो इस मैटर को सही कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैंने पापा की हेल्प ली तो वो मुझे कंपनी चलाने के लायक नहीं समझेंगे, इसे हमें ही संभालना होगा। हम क्या कर सकते हैं, ये टेंडर हमारे हाथ में नहीं है। टेंडर अगर ठीक से पूरा नहीं किया जाए और गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होता है? टेंडर वापस लेते हैं और अगली जो अच्छी कंपनी है उसे दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से कैसे जाएगा वो मैं देख लूंगा, पर ये टेंडर हमें वापस कैसे मिले ये तुम देखना। सभी लोग प्रोजेक्ट का बजट देखकर यही सोच रहे होंगे क्या इस बजट में प्रोजेक्ट बन पाएगा। हम अगर ठीक से करेंगे तो क्यों नहीं होगा सर। कांग्रेचुलेशन सर, आप तो वेंकट सुब्रमण्यम के बेटे अरुण सुब्रमण्यम हो ना? सर मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था, याद है आपको? हाँ ये थैंक यू सर। इसको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। क्या आप इसे पहले से जानते हो सर? जानता तो नहीं लेकिन बचपन से मुझे ऐसे लोकल लड़के बिल्कुल पसंद नहीं।
तू तो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आजकल सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है बेटा, टैलेंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है। सर गवर्नमेंट ने हमें 600 स्क्वायर फीट के घर की इतनी जगह दी है, तो हमें उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। हेलो मिस्टर मनीकम। ओके सर, लगता है पुष्पा का कॉल है। मॉर्निंग में बर्थडे विश करना भूल गए थे क्या सर? बोलो पुष्पा। क्या जी, सुबह आप मुझे बर्थडे विश किए बिना ही चले गए। आप तो मुझे शाम को बात करते हैं। थैंक यू जी। मेरी वाइफ का बर्थडे है, तुझे कैसे पता चला? मैं और पुष्पा जी फेसबुक फ्रेंड हैं सर। फेसबुक फ्रेंड है? यस सर। यस सर। ए, तुमने अभी हाँ क्यों बोला? फेसबुक फ्रेंड है ना सर, इसलिए। अच्छा ये बात है क्या? मैंने क्लैरिटी के लिए पूछा था। ए, रुक जाओ, जरा उसको नीचे रखना। अरे वो चॉपर लेकर आओ जरा। ये सब क्या है, खराब ईंटें क्यों भेजी उन्होंने? सर यहाँ ऐसा ही है सर। मतलब सरकारी प्रोजेक्ट में मटेरियल ऐसे ही क्वालिटी के आते हैं सर। ओए, मटेरियल अच्छा ही होना चाहिए, समझे? पैसे दिए तो इतना खराब मटेरियल कैसे आ सकता है? सर एमएलए वरदराजन के यहाँ से ये मटेरियल्स आते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट में सारे मटेरियल्स वही प्रोवाइड करते हैं सर। ये सारे काम उनके देख रेख में ही होता है सर। ओए, तुम यहाँ पर नए हो क्या? सवाल ये नहीं है कि कहाँ से मटेरियल आता है, बल्कि सवाल ये है कि अच्छा मटेरियल क्यों नहीं आता। फ्रॉड कोई और कर रहा है और गाली बेचारे गवर्नमेंट को पड़ रही है। ये सब लेकर जाओ और उनसे कहना कि अच्छे मटेरियल्स दे दे। सर वो काम का क्या? सारा काम रुकवा दो, नए मटेरियल्स आने के बाद ही काम शुरू करो। रोक तो बोला ना, कितनी जिंदगियों से खेलोगे तुम लोग? अगर बिजली कड़कने की वजह से बिल्डिंग गिरी तो क्या करोगे? मुझे स्लम क्लियरेंस बोर्ड जाना है, क्योंकि चेक कलेक्ट करना है ना, इसलिए। तो तुम जरा यहाँ पर ध्यान रखना। क्या भाई, तुमने हमारा मटेरियल वापस कर दिया? हाँ ऐसा क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मटेरियल की क्वालिटी खराब थी ना। खराब था तो फिर चेंज करवा लेते, तुम दूसरी जगह से लोगे, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा कहा गया था कि आपके सारे मटेरियल्स ऐसे ही होते हैं। हाँ मटेरियल वैसा ही था और वैसा ही रहेगा, इसलिए हम टेंडर लेते हैं और हमारे हिसाब से पूरा करते हैं। तुम हमारे काम के बीच में क्यों आए? सर थोड़ा डिसेंटली बात कीजिए, अगर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे ना तो छोटे से भूकंप से भी बिल्डिंग गिर जाएगी। कितनी जिंदगी है जाने दो ने। तमिलनाडु का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ था, अब वो 6.5 करोड़ हो गया। अभी पता नहीं लोगों की गिनती कितनी होगी। यही तो तरीका है उन्हें चेक करने का। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर। ए, यही पे मार दूंगा तुझे, समझा बेवकूफ। मैं तुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ और तुम होके चुपचाप वो टेंडर मुझे देके यहाँ से भाग जा, समझा? अरे क्या सर, आपने मुझे इस चश्मे पर और डिसेंट हेयर कट में देख रहे हो तो बुद्धू समझ रहे हो क्या? एक्चुअली मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ सर। मैं भी कसम से कहता हूँ सर, आप मुझसे बुरी तरह से बात कर रहे हो, अगर मैं अपना आपा खो बैठा तो। सर आपने सही मटेरियल भेजा तो ओके, नहीं तो मैं मटेरियल बाहर से खरीदूंगा। थैंक यू सर, बाय। ये सारे मटेरियल्स वापस करके उनसे रिफंड मांग लो और फिर अच्छे कंपनी में जाकर क्वालिटी वाले मटेरियल्स लेकर आना, समझे? हेलो बोलो। आपने कहा था कि आप उसके हाथ से टेंडर छीन लोगे, उसने अभी हमारा मटेरियल वापस क्यों, क्या हुआ? ऐसा कभी पहले नहीं हुआ सर, अब इसका हम क्या करेंगे सर? क्या करना है ये मुझे पता नहीं। ये है प्लान, वो देखो बिल्डिंग वहां बनेगी और आप सारे लोग सीमेंट के घर में रहोगे। ये घर है क्या सर? नहीं मतलब तुम्हारा घर है ना? हाँ सर। हाँ। कुछ दिनों के लिए। मतलब तुम एक बड़े कैरी बैग में रहते हो, ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है? हाँ? ऐसे छेड़ों में। हाँ। बांधा हुआ पहला घर है सर। ये क्या नया वर्जन यहाँ आ गया? हाय, मैंने ये स्वीट तुम्हारे लिए बनाई है, खा लेना। अच्छा तो डोर डिलीवरी है,
ठीक है अब तुम जाओ, बाद में आना, काम है थोड़ा। अचानक दोनों साइलेंट क्यों हो गए? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब यहाँ बैठे रहते हो। उसने मुझे डांटा क्या? नहीं नहीं सर, हैरी पॉटर को। ओल्ड वर्जन। सर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे? सर प्लीज सर, मैं बगल वाले रूम में वेट करता हूँ। बैठो ना। सब ठीक चल रहा है? अचानक यहाँ पर कैसे? तुम्हें देने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है। ये लो ये खाओ, घर का बना हुआ। किसके घर का बना है पता है? मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा तुमको मिल के जाऊँ। बाय। ओके बाय। बाय मिस्टर बिमल। हाँ मैडम बाय। सर आइए ना, कोई और नहीं आएगी ना मिलने के लिए? अरे नहीं सर प्लीज आइए ना, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ना? प्लीज। ये बताओ। हाँ सर। पहले जो स्वीट लेकर आई थी ना, वो शालिनी है मेरी पड़ोसन। हाँ, हाँ, हाँ सर। और अभी जो स्वीट खा कर गई वो तो हमारी अनीता मैडम। अनीता मैडम तो पता है। हाँ सर। मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं सर। वो पहली लड़की वो है या ये दूसरी लड़की वो है या फिर दोनों में से कोई भी वो नहीं सर, है सर, सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? क्यों? मैं उस लड़की में अपनी माँ को देखता हूँ इसलिए उससे बात करता हूँ सर। क्या सर आप भी? सॉरी सॉरी मिस्टर रघु, बुरा मत मानना। मैंने जो कुछ देखा वो एक आम आदमी की तरह। कोई बात नहीं, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। सर गाड़ी रुकी। क्या हुआ मिस्टर रघु? एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है सर। ये क्या हो रहा है सर? ये कॉलम्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये प्लान देखिए अपना। अच्छा? यहाँ पर तो 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम्स है सर। हाँ मिस्टर रघु। सर ये मेरा प्लान ही नहीं है, मेरा प्लान ऐसा नहीं है, ये मेजरमेंट्स ही गलत है सर। मेरे प्लान में ऐसा ही नहीं, देखिए ना सारे मेजरमेंट्स गलत हो गए। कितना पैसा लग गया, कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मेरे बॉस मुझ पर कितना भड़केंगे। इस सब का इंचार्ज जीवन है, हम उससे बात करते हैं। मिस्टर जीवन ये क्या किया? मेरे सारे 7 डिवीजन के प्लान का गलत काम करवाया। आपने जो प्लान दिया उसी पर तो काम कर रहा हूँ। क्या मैंने दिया हुआ प्लान ये है? ये देखिए ये है मेरा प्लान, आपने क्या एग्जीक्यूट करवाया? सर आपने जो प्लान दिया था वो ये नहीं है। प्लान लेकर आ। बोल क्या रहे हैं यार? ये देखो आपका दिया हुआ प्लान। अरे ये क्या प्लान? सर ये प्लान मेरा नहीं है सर। मिस्टर जीवन आप ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ क्या सर? पहले तो मुझे गलत प्लान देता है, फिर उसके बाद जब पता चलता है कि उसने गलत प्लान दिया तो मुझे नया प्लान देता है। इसीलिए सर एक्सपीरियंस आदमी को यहाँ होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे आदमी के हाथ में देंगे तो यही होगा ना। जीवन ये इंजीनियर हैं, इज्जत से बात करो वरना एमडी को फोन करना पड़ेगा। मैं एमडी से नहीं डरने वाला, इसे कोई काम नहीं आता, मैं तो यही कहूंगा ना। जीवन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? तू खुद वेस्ट करके अब इल्जाम मुझ पे डाल रहा है। पहले जा काम सीख के फिर बात करना। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इन लोगों ने इस तरह प्लान बदल दिया, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है ये लोग फ्रॉड करने के चक्कर में हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, 10 डिवीजन है रघु, तुम 10 डिवीजन पर नजर नहीं रख सकते। हमने उस पर भरोसा किया हो। कैसे मिस्टर रघु, मैंने सुना है कि आप गलत बिल्डिंग बना रहे। अगर एक इंसान अपनी काबिलियत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करे तो उससे वो हो नहीं पाता है। मिस्टर रघु पहले तुम्हें बीच पर रेत का घर बनाना चाहिए था, उसके बाद तुम्हें खिलौने की दुकान से खिलौने खरीद कर एक बिल्डिंग बनानी चाहिए थी, उसके बाद तुम्हें थिएटर के टॉयलेट, स्कूल टॉयलेट, ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाने चाहिए थे। लेकिन तुम तो सीधा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लोगे तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? अब तुम क्या करोगे? ये सब तोड़कर तुम फिर से बेसमेंट तैयार करोगे क्या? मैं तो ये सब सुन के ही पागल हो रहा हूँ। अगर टाइम पर तुम ये काम खत्म नहीं कर पाए तो क्या होगा? और तुमने क्या कहा था कि हाई क्वालिटी सीमेंट, ईंट, खंबे का इस्तेमाल करोगे? एटलीस्ट 30 करोड़ का लॉस होगा क्यों जीवन? बिल्कुल सर। 170 करोड़ में 30 करोड़ का लॉस उठाओगे तो बाकी के पैसों में काम पूरा हो पाएगा क्या? क्या कहते हो जीवन? मुश्किल है सर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है? इसीलिए हमने 400 करोड़ का बजट किया था। तुम ऐसा सोचते हो कि सब बदल दोगे? हम ये बिजनेस पुश्तों से करते आ रहे हैं और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसा भिखारी इस खेल में आसानी से घुस जाएगा? तुम अपने लेवल का काम करो ना। इस प्रोजेक्ट को बना पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए माफी मांग लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वरना क्या अबे ऐसे घूर क्या रहा है?
बिना किसी टैलेंट या क्वालिफिकेशन के तू सीधा बॉस के चेयर पे बैठ गया और अपने बाप की दौलत की वजह से बिना कभी एक दिन का हार्ड वर्क किए बगैर जब तू इतना घमंडी हो सकता है तो मेरे माँ बाप ने स्कूल में डोनेशन भर के मुझे LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया। उसके बाद आसान फील्ड छोड़कर मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड चुनी और जब वो मुझे नहीं जमा तो मैं फिजिक्स के लिए ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, मैथ्स के लिए अलग ट्यूशन, मैं रोड पे एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाता था। उस ट्यूशन की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे पेरेंट्स बेचारे काम करते थे। पब्लिक एग्जाम में पास होना चाहिए इसलिए रात भर पढ़ाई की है मैंने। मेरी माँ मुझे चाय बनाकर देती थी, पापा मुझे जगाते थे और अलार्म बजने पर वो उठाते भी थे। फिर जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो TMPSC एग्जाम के 2 महीने तक सारी तैयारी करके उसमें मिला कट ऑफ मार्क्स यूजलेस निकाला तो मेरी माँ के गहने ब्याज पे रखकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फर्स्ट से फोर्थ ईयर तक मैंने सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद भी सोसाइटी ने मुझे बेरोजगार बोला, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। हर जगह जाकर मैंने काम मांगने की कोशिश की। 4 साल तक मैं घर में बैठा रहा और बाप के मुझसे हमेशा सुनता रहा था कि कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ये सुन सुनकर जो खाना मेरे हलक में उतरता था ना, वो मुझे पचता नहीं था। फिर उसके बाद मेरे दिन बदल गए। एक पुण्यवान आदमी ने मुझे काम पर रखा और आज तुझ जैसा आदमी मेरा काम मुझसे छीनना चाहता है और इतनी सारी बातें सहन करने के बाद भी मैं तेरे सामने सीना तान के खड़ा हूं तो मुझ में कितना घमंड हो सकता है ये तू समझ सकता है। मैं तुम्हारे इस बिल्डिंग बनने में इतना नुकसान करवाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथों से निकलवा दूंगा, फिर उन स्लम वालों के हाथों से तुम्हें पिटवाऊंगा और उसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अबे ओए बच्चे, रघु तूने अब तक विलन की तरह ही देखा है ना, हीरो की तरह नहीं देखा। तो अब तू मेरा वो रूप देखेगा। ऐसे इंसान इस दुनिया में रहेंगे ये मुझे पता नहीं था सर। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई, यही मेरी दुनिया थी। जो निचले स्तर पे होते हैं उन्हें ऊपर आने का हक नहीं है सर। हम क्या जीवन भर बस रोड का कचरा ही उठाते रहेंगे? अगर आगे आने के बारे में सोचेंगे तो ये लोग ऐसे ही नीचे गिराते रहेंगे। ये जगह सिर्फ अमीर खानदान वालों के लिए होती है। तोड़ दीजिए सर। स्लम क्लियरेंस बोर्ड ने क्या कहा? प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए कहा है सर। ऑलरेडी इसका बजट इतना कम है तो उन्होंने कहा कि कंपनी को ही इसका लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी बजट में काम करके दिखा दूंगा। मिस्टर रघु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शुक्र है कि हमें शुरुआत में ही इसका पता चल गया। 30-40 करोड़ के लॉस को कैसे रिकवर कर पाएंगे इस बारे में सोचो, लेकिन इसकी चिंता में परेशान मत होना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, मैं इसे ठीक कर दूंगा। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं गरीबों को झोपड़ी से बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बिना किसी कमीशन के और रिश्वत के पूरा हो जाए सर। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें ये करने से रोक रहे हैं। वो अरुण सुब्रमण्यम ना, मैंने भी उसके बारे में सुना है। उसके पिताजी जो है, जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है हमें करने नहीं देते। उसका बेटा और भी ज्यादा बदमाश है। सुना है तुम अच्छा काम करते हो, क्या मदद चाहिए? कुछ नहीं सर, आप जो रेट से प्रोडक्ट देते हैं उसमें हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत मदद होगी। सच्चे काम के लिए कर रहे हो, इंसान भी अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें 25% डिस्काउंट देता हूँ। ये गरीब लोगों के लिए, थोड़ा और डिस्काउंट देते। तुम्हारे दिमाग में कितना है? अगर 75% डिस्काउंट देंगे तो आपके बचे हुए सीमेंट और आपकी बची हुई ईंट से खड़ा कर देंगे। ठीक है ना, तुम्हारा ना मेरा, तो फिर कौन जीता इसमें? ठीक है, 50%, उसके ऊपर तुमने मांगा तो मुझे फ्री में देना पड़ेगा। तो फिर ये भी चलेगा सर। चुप हो जाइए ना, क्या बोल रहे हो? हमारे साथ बिजनेस करते रहना, लेकिन अगली बार डिस्काउंट की उम्मीद मत रखना। जी बिल्कुल सर। हाँ तो अरुण सर, लगता है आपने जो वादा किया था आप उस पे खरे नहीं उतरे। उसने कुछ डील्स करके अपना काम अच्छी तरह से शुरू कर ही दिया है। लगता है हमें ये मैटर आपके पापा को बताना चाहिए। देखो, ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं उसे अपने तरीके से मारूंगा। क्या आप उसे मारोगे? क्या आप गुंडे भेजोगे उसे मारने के लिए? तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? मारने के लिए तुम्हें लड़के ही भेजने पड़ेंगे, और क्या करोगे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं समझा नहीं। मिस्टर रघु। हाँ सर। अभी तुम मुझे वॉकिंग के लिए क्यों लेकर जा रहे हो? सर हम मेरी गाड़ी से जा रहे हैं। ये गाड़ी है क्या? क्या सर? मतलब तुम्हारी गाड़ी है क्या, पूछ रहा था। हाँ सर। तुम्हारी साइज के हिसाब से ठीक है। किसने दिलाया तुम्हें ये? 7th में फर्स्ट रैंक लाया था ना, तो मेरे पापा ने गिफ्ट की थी। हाँ हाँ। ओ, एक क्लैरिटी के लिए एक बात पूछूं। बोलिए सर। इस गाड़ी में मोटर है, फिर पैडल मार कर क्यों चला रहे हो इसे? सर मेरी गाड़ी के बारे में कुछ मत कहिए, बहुत स्पेशल है। अच्छा अच्छा, पूरे इंडिया में सिर्फ तुम ही हो जो इस तरह गाड़ी चलाते हो। हाँ ठीक है। ये गाड़ी किसी को देना मत। बिल्कुल नहीं सर, नहीं दूंगा। ये क्या सर, कोई वर्कर्स नजर नहीं आ रहे? मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। कोई पेमेंट का मैटर हुआ होगा, लेबर्स कैंप में देख के आइए ना सर। सब कुछ तो ठीक ही था, मैं देख कर आता हूँ। तमिलनाडु में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये बात तो आपको अच्छे से पता है। और वो लड़का कल ही का है, वो अब यहाँ है।
लेकिन कल रहेगा या नहीं ये किसी को भी नहीं पता है। सो यू गाइस डिसाइड, अगर तुम वहाँ काम करोगे तो तुम्हें मेरे यहाँ काम नहीं मिलेगा और ना ही मेरे फ्रेंड्स के यहाँ, और ना ही कंपनी के शेयर होल्डर्स के प्रोजेक्ट में भी काम मिलेगा। रघु, लेबर्स कैंप में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? सर सुपरवाइजर को फोन करके पूछिए। अगर तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जो मंथली सैलरी देता हूँ उससे डबल दूंगा और मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में तुम्हें काम दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। रघु सर, वो फोन नहीं उठा रहा है, मैं सुपरवाइजर से पूछ कर आता हूँ। कितना गैर जिम्मेदार इंसान है, कम से कम एक बार इन्फॉर्म तो कर दो। हेलो, क्या हुआ बच्चे, अकेले पड़ गए क्या? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है क्या? अगर तुम दिन में 20 घंटे भी काम करोगे तो 20 × 3 × 6 weeks and 8 months मतलब 22 साल में काम खत्म करोगे। hey, कहीं तुम ये जल्दबाजी में प्रोजेक्ट मत छोड़ देना, मैं खुद तुम्हें बर्बाद करके ये प्रोजेक्ट छीन लूंगा। ये प्रोजेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरे जैसे इंसान ने जो बात की है ना, उसे सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। अब जो तू हीरो बन ही गया है तो विलन का काम तो मैं ही करूंगा। टेक केयर। भाई तुम क्यों चिंता करते हो जब हम लोग तुम्हारे साथ हैं? हमारे स्लम के लोग बड़े कंपनीज के लिए काम करते हैं, प्लम्बिंग, पेंटिंग, कारपेंटरिंग, क्लीनिंग, सब कुछ। तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कितने लोगों के लिए काम करते हैं भैया, तुम हमारे लिए घर बना रहे हो, क्या हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे? हम इनके साथ 4 डिविजन्स में ही काम कर सकते हैं, बाकी का क्या? हमें और लेबर की जरूरत पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, उन लोगों को संभालने के लिए सुपरवाइजर्स की भी जरूरत है। हमें 2 दिन के अंदर किसी से मिलकर ये काम पूरा करना पड़ेगा। ए पागल कहीं का, ये फेसबुक है क्या? हाँ सर, मैं और पुष्पा जी फेसबुक फ्रेंड हैं सर। मुझे इसमें कुछ इंक्वायरी करनी है, जरा मुझे देना। अकाउंट का नाम बताइए। अकाउंट AEZ1234768। ये क्या है? यही है मेरा बैंक अकाउंट। सर ये फेसबुक अकाउंट है, आपको नया बनाना पड़ेगा, यहाँ पर पोस्ट करने से पूरे देश में फैलता है। ओहो, इसमें इतनी पावर होती है क्या? हाँ। तो फिर ट्विटर अकाउंट? सर पहले आप ये तो सीख लीजिए, बाद में ट्विटर को देखेंगे। ए लैपटॉप दे। ये पोस्ट करने के बाद क्या होगा? प्रेस वाले या ऑपोजिट पार्टी के एमएलए ने ये वीडियो देखा तो वो लोग बात करके हमारी मदद कर सकते हैं और बात आगे बढ़ सकती है। एटलीस्ट 10,000 व्यूज मिले तो कोई ना कोई हमारी बात सुनेगा। अभी इसे कितने लोगों ने देखा है? अभी 120 लोगों ने देखा है। कई लोग हम पर हंस सकते हैं और ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा भी सकता है। पापा कुछ कह नहीं सकते, ये प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जाकर सो जा। कुमार को मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, तुम्हें कुछ भी लगेगा तो उसे कह देना, ठीक है? मिस्टर रघु, स्लम क्लीयरेंस ऑफिस से बहुत कॉल आ चुके हैं, अब मैं कितना अवॉइड कर सकता हूँ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल भी सकता है। हेलो सर, मैं विग्नेश, आपके वीआईपी कम्युनिटी का मैं भी एक मेंबर हूँ सर। मैंने फेसबुक पे आपका पोस्ट देखा, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं सर, तो मुझसे जो हो सके वो हेल्प करने के लिए आया हूँ सर। सिर्फ एक ही लड़का आया? सर कल तक हम 2 थे और आज 3 हैं। थैंक यू। इट्स ओके सर। चलो मैं तुम्हें प्लान दिखाता हूँ। देखिए सर, आपने एक ही आया ऐसा कहा था ना, देखिए कितने लोग आए। अरे वाह, कितने सारे बेरोजगार इंजीनियर्स आ रहे हैं। अगर सिर्फ फेसबुक के ग्रुप में इतने सारे इंजीनियर्स हैं तो पूरे देश में कितने इंजीनियर्स होंगे? हाय अमूल बेबी। हे, तूने मुझे दोबारा अमूल बेबी बुलाया ना? ओह गॉड,
अरे तू तो गुस्सा हो गया। अमूल बेबी तुझे ना पहले चेस का गेम खेलना चाहिए, उसके बाद लगोरी खेलना चाहिए, और उसके बाद ना तुझे एक गर्ल्स का गेम खेलना चाहिए, जैसे खो खो, थ्रो बॉल, ये सब गेम खेलने चाहिए। ये सब छोड़कर अगर तू डायरेक्ट WWF खेलेगा तो तेरा चेहरा तो फूटेगा ही ना। ऊपर से तूने क्या फोन पे मैं विलन हुआ ऐसा बोला था, उस समय मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन क्या करूं, तुझे देखकर मुझे विलन जैसी कोई फीलिंग ही नहीं आती है। मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया। ठीक है, तूने मेरे लेबर्स को मेरे यहाँ काम रोकने के लिए पैसे दिए, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदते, जैसे स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, लव। चल छोड़, ये तुझे कहाँ समझ में आएगा, तू तो फ्रिज में पला बड़ा है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? हाँ, तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है जानता है? तुम्हें अपने पापा के बारे में पता नहीं है? कैसी फैमिली है इसकी यार, मुझे नहीं पता। इसका फेस पसंद नहीं है, मैं काम करने जा रहा हूँ। तू अपने पापा का नाम इतना घमंड से क्यों ले रहा है? अबे पहले तू अपना नाम तो बना ले। रास्ते के भिखारी, तू जानता भी स्टेटस क्या होता है? अमूल बेबी, अगर मैं तेरे नाम से सुब्रमण्यम हटा दूंगा ना, तो तेरा नाम रहेगा क्या? मैं तो भिखारी रहने के बावजूद भी मेरा खुद का स्टेटस है। शहर में जितने भी सारे राउडी, गुंडे, बदमाश हैं, उन्हें वहां पर भेजो। वहां काम करने वाले हर एक आदमी के सिर, पैर, हाथ, आंख सब फोड़ दो। नहीं सर, हम आपके पापा से बात करते हैं। मैंने कहा ना भेजो, गुंडे भेजोगे मारने के लिए। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? ए, क्या सोच रहे हो, मैं बच्चा लग रहा हूँ क्या? मैं बच्चा लग रहा हूँ तुम्हें? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने जो कहा वो करो। सर, चाइना से चीप मटेरियल कब खरीदने वाले? कल ही। मुझे आप पर भरोसा है, आप मटेरियल चेक कर लेना सर। भाई, हाँ। मेरी बीवी ने चाइना के लिए पैकिंग की है कि नहीं, मैं फोन करके पूछता हूँ। कीजिए सर। अरे रे, मेरा फोन तो टेबल पर ही छूट गया, जरा अपना फोन देना, घर पर बात करनी है। लगता है आपकी वाइफ बहुत अच्छा पैकिंग करती है। यह क्या है? मैंने अपनी बीवी को फोन लगाया, जीएफ लिख कर आ रहा है। सच में? जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड ना सर? गोल्डन फ्लावर है सर। ओ, गोल्डन फ्लावर मतलब पुष्पा जी का नाम गोल्डन फ्लावर है इंग्लिश में। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे फोन में कैसे? इमरजेंसी के लिए स्टोर किया है सर। कौन से इमरजेंसी के लिए स्टोर किया है? आपके साथ कोई हादसा हो गया तो उन्हें बताना पड़ेगा ना सर। क्या कहा तूने, क्या कहा? मेरी वाइफ का नंबर किसके परमिशन से स्टोर किया? बहन का नंबर स्टोर करने के लिए परमिशन क्यों सर? ये कहता है कि अनीता मैडम इसकी माँ की तरह है और मेरी बीवी को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है ये। इसका थोबड़ा देखकर तो ये मुझे कहीं से भी शरीफ इंसान नहीं लगता। सर, अपने माइंड की बात आप जोर से कह रहे हो। सॉरी रघु, सॉरी भाई, मैंने जोक किया था। कोई बात नहीं, रुकिए सर। हाँ ठीक है। मुझे लगा ये लैपटॉप पे प्लान देख रहा है, लेकिन ये किसी लड़की के साथ चैट कर रहा है। अरे वो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, जाओ जरा रुको, देखो देखो क्या हो रहा है। सर, हम ही लोग क्या हो रहा है सर? ये लोग सबको मार रहे हैं सर। साइड पे दंगा फसाद हो गया है सर, ये लोग कौन है हम इन्हें नहीं जानते हैं सर। सर आप जल्दी आ जाइए सर। छोटा
मैंने रिपोर्ट्स देख ली है, सब नॉर्मली है। भैया मैंने बैंक से कुछ पैसे निकाले थे, लेकिन अनीता मैम ने सारे बिल पहले ही पे कर दिए। चिंता मत करिए अंकल, उसे कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ मुझे भी पता है, उसे मारा गया है, पूरे चेहरे पर खून है। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, हमेशा गलत काम करता है, बचपन से ही गलत काम करते आया है। उसे मार खाने की क्या जरूरत थी, धागा निकाल के मारना चाहिए था ना। अरे रे रे, इसके माँ के सेंटीमेंट का टॉर्चर मैं भी नहीं सह सकता। सर मैंने सब लोगों को चेक कर लिया सर, कई लोगों को छोटी मोटी चोटें हैं सर, किसी को सर पे, किसी को हाथ पे फ्रैक्चर है सर, लेकिन आनंद भाई बहुत सीरियस है सर, उसको आईसीयू में रखा है, ऐसा बोल रहे कि वो मर भी सकता है। अरे सर, सर आप मीडिया को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सर आपको स्टेटमेंट देना चाहिए। स्टेटमेंट दूं? क्या बोलूं मैं, सब लोग अपना घर और शहर छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। जो लोग अथॉरिटी में हैं उन्होंने हमारी मदद करने की बजाय हमें मारकर कुचल डाला पूरी तरह से। पॉलिटिशियंस हो गए, गुंडे हो गए, कॉरपोरेट वाले हो गए, हम सब इंजीनियर्स इनसे मार खाते हैं। हमारे स्टेट में 3,217 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आपको पता है। हर साल 5 लाख स्टूडेंट्स पास होकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से 40,000 को काम मिलता है, लेकिन बाकियों का क्या? हमने अपने दम पर काम ढूंढा तो लोग हमें बर्बाद करने आते हैं। पहले जिनके पास काम था उनसे छीना जाता था, लेकिन अब तो पूरी स्थिति उल्टी है। ये लोग तो हमारी जिंदगी की मेहनत, हक और मौके को पूरी तरह से छीन रहे हैं। क्यों, यहाँ कितने लोग इंजीनियरिंग करके माइक पकड़ कर खड़े हो? सर hey, चुप करना। पर ये दंगा हुआ क्यों सर? मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा। और क्यों लूं? अगर लूंगा तो वो लोग वापस आकर इन सबके बचे हुए हाथ पांव भी तोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है। सर इतना बड़ा दंगा हुआ है, हम सबको क्या जवाब देंगे? हम लोग सब ग्रुप बनकर किसी चीज से टकरा गए और गिर गए, लिख दो, बराबर हो जाएगा, चलो रे। सर एक क्वेश्चन। क्या सर, इतने लोग पूछ रहे हैं क्या है, कौन है, बताना चाहिए था ना सर। समस्या को बढ़ाने के 1000 रास्ते होते हैं, लेकिन उसे खत्म करने का सिर्फ एक। 40 साल मेहनत करके मैंने इस कंपनी को इतना बड़ा किया है, तेरी बेवकूफी की वजह से इसे बंद नहीं होने दूंगा। गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती। जैसे छोटे बच्चे रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलते हैं, वैसे तो इस कंपनी के साथ खेला है। गलती मेरी है कि मैंने इतनी जल्दी तुझे ये कंपनी सौंप दी। यू आर नॉट फिट फॉर दिस। नहीं पापा, जैसा आप सोच रहे हैं ये वैसा मामला नहीं है। हम कितने बड़े लोग हैं ये उसे पता चल गया होगा, इसीलिए तो उसने प्रेस में हमारा नाम भी नहीं बताया। पापा डर के भाग गया होगा। सर आपसे मिलने के लिए कोई रघु आया है, उसे अंदर भेजो। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आपको सब कुछ पता है सर, क्या आपके बेटे ने गुंडों से हमें पिटवाया? आप गलत समझ रहे हैं, मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया। सर आप एक बड़े इंसानी ये सोचकर मैं बात करने आया, आपके बेटे को हमारे लड़कों से माफी मांगनी होगी। ए, किसका बेटा किसके सामने माफी मांगेगा? मैंने कहा ना उसने कुछ नहीं किया। बेटा और बाप दोनों नामर्द है। ए, किसको नामर्द बोल रहा है रे? थर्ड क्लास, उन गुंडों को मैंने ही तुझे मारने के लिए भेजा था, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा बता? भाई यहां दो बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा चुपचाप रहे। अगर हमारे आदमियों ने सोच लिया तो आप और आपका ऑफिस नहीं बचेगा। सही रास्ते से जाने का सोच रहे हैं, हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। प्रेस वालों ने पूछने के बावजूद भी मैंने आपका नाम नहीं बताया। मैं मामला बढ़ाना नहीं चाहता, खत्म करना चाहता हूँ। डरा रहा है क्या? ये बहुत बड़ी जगह है, संभल कर बात कर। 200 करोड़ के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को 400 करोड़ रुपए का बजट बनाकर 200 करोड़ रुपए चुरा कर प्रॉपर्टी बनाना, इसमें कौन सा बड़ा? चोरी की प्रॉपर्टी दिमाग से बनाई है मैंने, उसके लिए भी हुनर चाहिए। चोरी करना अभी एक हुनर हो गया है ना। तुझे जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, गेट आउट। जाऊंगा, बेटे को माफी मांगने बोलो। नहीं मांगेगा तो उसे मार के घसीट कर ले जाऊंगा। व्हाट द फक, मेरे बेटे को मारेगा? मार के दिखा, मार मार। ए, मैं मारूंगा ये पहले ही बोल रहा था, ऊपर से तू भी बोल रहा है कि इसको मार। इतने लड़कों को तेरे बेटे ने मार दिया, एक लड़का सीरियस है, फिर भी मैं इतना शांति से खड़ा हूं और तू इतनी चर्बी दिखा रहा है मेरे सामने। क्या देख रहा है? तेरे बाप ने मारने बोला, मैंने मारा।
ये मैं पहले नहीं कर सकता था, लेकिन तू बड़ा इंसान है, शरीफ जैसा बर्ताव करेगा सोचा था। मेरी माँ ने किसी पर भी हाथ उठाने से मुझे मना किया है। अगर मेरी माँ आज के दिन में जिंदा होती ना, तो वो बिना सोचे समझे तुम लोगों को चप्पल से मारती। है जो लड़का सीरियस है, उसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना, तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ए, तूने मेरे सामने ही मेरे बेटे को मारा? तू अंदर आया, मेरे बेटे पर तूने हाथ उठाया, गुंडागर्दी की, तूने जो किया सब कुछ मेरे सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तेरे ऊपर केस करूंगा, तुझे अंदर करवा दूंगा। सिर्फ ये नहीं, कोई भी बिल्डिंग जिंदगी में नहीं बना पाएगा तू। इसका नाम है जैमर। इसे ऑन करते ही आसपास का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा, यह हमारे लड़कों ने बनाया है। यह है एचडी कैमरा। इसे मैंने ऑन करने के पहले तक, यानी मेरे मारने से पहले, तुमने जो जो बातें की हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे ने जो बातें की हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो गई हैं और ट्रांसमीटर के जरिए मेरे लड़कों के पास पहुँच भी चुकी हैं। अगर तुम्हारा बेटा एक घंटे के अंदर हॉस्पिटल में आकर मेरे लड़कों से माफ़ी नहीं मांगेगा ना, तो इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। सब प्रेस मीडिया को मैं खुद पर्सनली जाकर ये कॉपी दूंगा। आप अपने बेटे की तरह कोई बेवकूफी नहीं करोगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। hey! क्या सर यहां कितने ए, अंदर जाके सोने का अंदर नहीं आ रहा है। अरे ये अगर आपको खून की जरूरत है तो आप कुछ 40 ए तुम लोग से खेलो मत, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, रेट नहीं पिया, ये ज्यादा तकलीफ दे रहा है। आपका नंबर लो मत, कल हम जाए ना, नंबर क्यों मांग रहे हो? अच्छा चलो नोट डाउन, आपका वॉइस सुनाई नहीं देगा इसलिए। थैंक यू, हां कह दे वरना हमारे लड़के कुछ कर देंगे। अरे मारना गलत है यार, वो थोड़ी यहां पे आने वाला है। उसने आपकी आंखों के सामने मुझे मारा और आप चुपचाप देखते रहे, मुझसे कहते कि जाके सॉरी बोलो, शर्म नहीं आती? मुझे क्यों बोल रहा है, गलती तूने की है। अगर ये मुझे बताया होता तो बात इतनी बड़ी नहीं होती। छे, इतने से कैमरे से मेरी पूरी हिस्ट्री ले गया। उसने वो वीडियो किस किस को देखा रखा है मुझे नहीं पता। अगर वो वीडियो बाहर आ गया तो मेरा नाम, मेरी कंपनी छोड़ दे, सब कुछ बोलकर कोई दूसरा काम कर ले। क्या यहाँ पर आपका बेटा बैठा बैठा रो रहा है और आप है कि कंपनी कंपनी कर रहे हैं? मेरे लिए बेटे और कंपनी में से किसी को चुनने का समय आएगा तो मैं कंपनी को चुनूंगा, बेटे को नहीं।
क्या बेटी, मिनिस्टर एक घंटे में आ जाएंगे, ये रघु कहाँ है? तुम आगे जाओ, मैं मंदिर जाकर आता हूँ, ऐसा कहा था उसने। थैंक यू मां। कार्तिक, रघु को फोन किया? कर दिया भाभी, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। यही रूट से आएगा सर। ठीक से पता तो किया ना? हाँ सर। मैं तुम सबको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। तुम लोगों ने मुझे मारा, इसलिए मुझे और मेरी गाड़ी से माफी मांगकर भाग जाऊं, नहीं तो बहुत मारूंगा। बहुत देखो ये गलत बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो मुझे कुछ नहीं करोगे, ठीक है? चल शर्ट उतार। सुनो मेरी बात सुनो, मैं आज के बाद तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। तुम जानते हो ना मेरा पिता कौन है? शर्ट निकाल। ये जरा पकड़।
क्या प्रॉब्लम है तेरा? तुझे मार के पालना चाहिए था। बोल बेटा क्या प्रॉब्लम है तेरा? कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। अभी तुझे क्या चाहिए? मुझे हारते हुए देखना चाहता है ना? नहीं। चल मैं हार गया, ओके ना? अब तो तू खुश है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, हमारे बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं आज के बाद नहीं, नहीं है ना? हाँ। ये ले शर्ट पहन ले। पहन ले? अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो सॉरी। नहीं सारी गलती मेरी थी, सॉरी। बिल्डिंग ओपनिंग के लिए जा रहा हूँ, आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे चलना है, एंजॉय करेंगे। नहीं क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? कार क्या पकड़ूं? ए सीधे बैठना यार। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तुम इसको लेकर क्यों आए भाई? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अपना ही लड़का है, जरा संभालो। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ देखते हैं, थैंक यू थैंक यू। क्यों कहाँ थे? हुआ तुम चलो। पापा इसको जानते हो ना, अरुण सुब्रमण्यम। चलो अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। सर नमस्ते। हेलो थैंक यू, कांग्रेट्स रघुवरन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सर नमस्ते। सर सर नमस्ते। सर सर नमस्ते। आइए ना, आइए। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, बिल्डिंग बहुत सुपर बना है भाई। ये ओरिजिनल लाया हो कि इसमें भी मिलावट है? अरे मजाक मत करो सर। हां